हेलो क्लास सेकेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है धूर्तता छोड़ो सत्य बोलो, यानी कि मूर्खता छोड़ो सच बोलो। इस कहानी में कुछ चित्र दिए गए हैं बीच में, जैसे कि ये एक बिल्ली है। तो इस कहानी के साथ साथ हम चित्र को देखकर इनके नाम बोलेंगे। हम शुरू करते हैं इसे। लचित के पड़ोस में एक बिल्ली रहती थी। वह हर समय भोजन की खोज में फिरती रहती। कल वह बिल्ली नितिन की छत पर गई थी। वहाँ अनेक चिड़िया दाना चुग रही थी। बिल्ली चुपचाप बैठकर उन्हें देखने लगी। दूसरी छत पर बैठा हुआ कबूतर यह सब देख रहा था। वह संकेत करता हुआ फड़फड़ाकर कबूतर गया, उड़ गया। यानी कि एक बिल्ली थी जो भूखी थी, भोजन की तलाश में भटक रही थी। तो उसने छत पर, नितिन की छत पर बैठी हुई चिड़ियों को देखा। तो उसने सोचा कि इनको मैं पकड़ लूँ। यह सब चीज़ें, जो एक कबूतर भी बैठा हुआ था दूसरी छत पर, उसने जैसे ही देखा कि बिल्ली उन चिड़ियों के पास उन्हें पकड़ने आ रही है, तो उन्हें बताने के लिए, संकेत करने के लिए वह कबूतर इतनी ज़ोर से उड़ा कि वह समझ गई और वह चिड़िया भी उड़ गई और बिल्ली रह गई। आगे संकेत पाकर चिड़िया भी उड़ गई। चिड़ियों को पकड़ने की बिल्ली की योजना धरी की धरी रह गई। भूखी बिल्ली रचित के बगीचे में गई। वहाँ मुर्गी और चूजे के साथ साथ घूम रही थी। बिल्ली पेड़ पर बैठे बंदर ने देखा तो उनकी जान बचाने के लिए जोर से खो खो करने लगा। अब वहाँ जब उसकी चिड़िया पकड़ने की योजना बिल्ली की पूरी नहीं हो पाई, तो अब वह बगीचे में गई रचित के। तो वहाँ पर उसकी मुर्गी और मुर्गी के कुछ चूजे थे, उसके बच्चे थे जो साथ साथ घूम रहे थे। तो बिल्ली ने सोचा कि अब मैं इनको पकड़ लूँ और इनको मैं पकड़ कर अपनी भूख मिटा लूँ। तो यह सब, एक पेड़ पर बैठा हुआ बंदर था वो सब देख रहा था। तो उस बंदर ने सोचा कि इनको कैसे बचाएँ। तो उसने ज़ोर से आवाज़ की जिससे कि वह संकेत पाकर समझ गए कि हम अभी यहाँ खतरा है। यह सुनते ही चूजे मुर्गी की टांगों में जा छुपे। मुर्गी भी तरह तरह की आवाज़ निकालने लगी। यह सुनकर पेड़ों में पानी देता हुआ सींचता हुआ रचित उस ओर गया और उसने बिल्ली को भगा दिया। जैसे ही बिल्ली को या चूजों को बंदर की आवाज़ आई, तो वह समझ गए कि कोई ख़तरा है। तो वो चूजे छोटे छोटे भागकर अपनी माँ के पैरों में छुप गए, पंखों में छुप गए। उसकी माँ भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जिससे कि रचित जो था यहाँ पेड़ों में पानी दे रहा था, या उनकी आवाज़ सुनकर आ गया और बिल्ली को देखकर उसे वहाँ से भगा दिया। भूखी बिल्ली दुखी होकर वहाँ से चल दी। अब वह खेतों में जा पहुँची। एक खेत में वह पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक कौवा चोंच में रोटी दबाए वहाँ गया। बिल्ली ने उसे डाल पर बैठते हुए देख लिया। रोटी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह बोली, कौवे भैया, तुम्हारा गाना सुने हुए बहुत दिन हो गए, कृपया आज एक गीत सुना दो। आगे जब बिल्ली चूजों को और मुर्गी को नहीं पकड़ पाई, तब वह आगे जाकर खेतों में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसमें उसने एक कौवे को रोटी चोंच में पकड़े हुए देखा, जो कि एक रोटी लेके आया था। अब बिल्ली को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो उसने सोचा कि किसी तरह कौवे से ये रोटी ले ली जाए। तो उसने एक कौवे की तारीफ़ की कि भैया, तुम्हारा गाना सुने हुए बहुत टाइम हो गया है,
तो अपना एक मधुर गाना सुना दो। कौआ, कौवे ने देर तक बिल्ली को घूरा और रोटी को पंजे के नीचे दबाकर बोला, बिल्ली बहन मुझे मूर्ख मत बनाओ, या सुरीला गाना गाने पर ही लोग मुझे पत्थर मारते हैं, साफ साफ कहो क्या बात है। तो अब कौवे ने बिल्ली से बोला कि मुझे मूर्ख मत बनाओ, कि क्या बात है जो मैं सुरीला गाना नहीं गाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ तो जिसके वजह से लोग मुझे भगाते हैं, तो तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो, ज़रूर कोई बात है, तो मुझे बताओ क्या बात है। तो बिल्ली समझ गई कि कौवा उसकी बातों में आने वाला नहीं है। वह निराश भाव में बोली, क्या बताऊँ कौवा भैया, सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला, भूखी हूँ। तब बिल्ली ने कौवे को अपनी बात बताई, वो समझ गई थी कि कौवा उसकी बातों में नहीं आएगा। तो बिल्ली ने कौवे को बताया कि सुबह से वो भूखी है, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कौवे को उस पर दया आ गई, उसने आधी रोटी तोड़कर नीचे गिरा दी। बिल्ली ने तुरंत रोटी उठाई और खाने लगी। रोटी खाकर बिल्ली की भूख कुछ शांत हुई। वह कौवे को धन्यवाद देती हुई वहाँ से चली गई। आज उसे पता चला कि सच बोलने वाले के प्रति दूत प्राणी भी सहानुभूति रखते हैं व सहायता करते हैं। बिल्ली ने जब उसको कौवे को सारी बात बता दी, तो कौवे को उस पर दया आ गई कि ये बिल्ली भूखी है, तो जो रोटी लेके आया था कौवा, उसने अपनी ही रोटी में से आधी रोटी तोड़कर नीचे गिरा दी। नीचे गिरते ही रोटी, क्योंकि बिल्ली भूखी थी तो उसने वो आधी रोटी तुरंत ही खा ली। खाने के बाद उसे एहसास हुआ कि हमें हमेशा मूर्खता से काम नहीं लेना चाहिए, कभी सच बोलना चाहिए। कभी कभी सच बोलने से भी अच्छा होता है, और सहानुभूति यानी हमदर्दी व सहायता यानी मदद करना। तो कौवे ने सहानुभूति दिखाते हुए उस बिल्ली की सहायता की। अब हम इसके शब्दार्थ समझेंगे। कुछ शब्द जो कठिन आए हैं इसमें, इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। पहला है धरी की धरी रह जाना, यानी पूरी तरह असफल होना। जैसे कोई योजना, जैसे बिल्ली ने योजना बनाई थी चिड़ियों को पकड़ने की, तो जब वह असफल हो गई, यानी कि वो उसकी योजना पूरी नहीं हो पाई, तो उसका मतलब है कि वह धरी की धरी रह गई, उसकी योजना पूरी नहीं, असफल हो गई। मधुर, मधुर यानी सुरीला, मधुर का मतलब होता है सुरीला, यानी कि मीठा। मीठा जैसे कोई सुरीली चीज़, मीठा गाना, उसके लिए मधुर को सुरीला। तुरंत यानी तभी मीन्स उसी टाइम। सहानुभूति यानी कि हमदर्दी, सहानुभूति दिखाना, इसका मतलब है हमदर्दी दिखाना। सहायता, सहायता का मतलब है मदद करना।